तो आ गए हैं स्टेशन पे और सामान यहाँ खाली हो रहा है गाड़ी। साइकिल से होगा दीपक भाई, काफी ज्यादा लेट हो गए। अभी दौड़ते दौड़ते भागते भागते आ रहे हैं। बहुत दौड़ते दौड़ते आया हूँ। कहाँ जा रहे हो? हाँ हाँ चलो। तो आ गए हैं स्टेशन पे और सामान यहाँ खाली हो रहा है गाड़ी। अरे साइकिल से होगा? चले चलते हैं, दो नंबर प्लेटफॉर्म पे चलना है। पापा भी आए हुए हैं। हो गया खाली भी? मैं अरे पालू ना। लो चॉकलेट खाना, ठीक है? दे दो दादा को। दादा को दे दो, गिर जाएगा, दे दो। खाना बिना दे। सो गाइस, हर्ष बहुत दिन से मांग रहा था भैया अपना ये बर्थ दे दो, ये बर्थ दे दो। हम बोले चलो जाए लेंगे तो ले लेना। लो हर्ष, ले लो, ले लो, ले लो आपका ईयर बड्स। आपका अच्छा लग रहा है? मस्त। चार्जर नहीं मेरा इसके पास। चार्जर नहीं है, उससे होगा, जिससे मोबाइल होता है वही से चार्ज होगा। सी टाइप है, हो जाएगा। अप्पू हाँ। तुम्हें क्या चाहिए? अप्पू घड़ी चाहिए, बोलता है घड़ी। चलो भाई, वो वाला क्या, वो खराब हो गया? चलो भाई, अब हर्ष को मिल गया गिफ्ट, अप्पू को नहीं मिला। घंटी लग गई है, ट्रेन आने वाला है। जा रहे हैं अप्पू और पालू को विदाई देने। लो पालू, अप्पू फौजी पैर छू ले। अरे अरे अरे, ट्रेन अभी तक आई नहीं है, घंटी लग गई है। तब उस लंबा दिखा थे यार। तो हम लोग बैठ गए हैं, कोमल की सीट पे बैठी है, पापा इधर है। सामान सारा अरेंज करा दिया पहले। हाँ, हो गए इधर लेने, आ गए उधर। दीपक भाई काफी ज्यादा लेट हो गए। अभी दौड़ते दौड़ते भागते भागते आ रहे हैं। बहुत दौड़ते दौड़ते आया हूँ। कहाँ जा रहे हो? हाँ हाँ चलो। गुड मॉर्निंग गाइस, और जो है फुलिंग भी रखा है, सामान काफ़ी ज़्यादा था। वी और कोमल की छुट्टी, तो ये देखिए हमारा ही सामान है भैया लेके चल रहे हैं। इतना दूर कौन ढोएगा? तो चार नंबर से उतार दिया था, फिलहाल 16 नंबर पे। गाइस फाइनली हम लोग घर पे पहुंच गए हैं, और पहुंचने के बाद काफ़ी ज़्यादा घर फैला हुआ, बिखरा हुआ। बिखरा हुआ तो नहीं था, क्योंकि मैं सही करके गया था, आप लोग को दिखाया था कि मैं बताया था ना कि अगर सही करके जाएंगे तो आएंगे तो ज़्यादा काम रहेगा। बस थोड़ा धूल मिट्टी यही इसी का प्रकोप था, तो सब कुछ सही हो गया है। बाकी बेड पर धूल मिट्टी आया था तो कोमल ने साफ कर दिया। बाकी हमारा बेड तो ऐसे ही जैसे मैं रख के गया था, उसका बिस्तर भी वैसे ही है। और हमने अपना सारा सामान देखिए इधर अरेंज कर दिया है, सब पूरा रूम खाली है। अब जब फ्री होंगे तो हाँ, अब पहले हम कहे नहीं, झाड़ू पोछा तो हो गया दोस्तों, हम कहे एक बार करने के बाद एक बार वो कर रहे, क्योंकि एक बार झाड़ू एक इतने दिन बाद हम लोग आए हैं तो एक बार में नहीं होगा। तो हम कहे इससे पहले थोड़ा सा नाश्ता चाय वगैरह कुछ बना दो। तो देखिए इधर क्या बना रही हैं, बटर ब्रेड सेक रही हैं और चाय बना रही हैं। हमसे थोड़ा पहले पेट में कुछ जाए, तब थोड़ा दिमाग ज़्यादा काम करेगा। अब बेटू हमारी यहाँ आके क्या हुआ बेटा, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, क्या हुआ?
हम दुबली हो गई है बट्टू हमारे। लो चाय पीना है? नहीं चाय पीना है? अरे 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 खुद खांसी भी आ रहा है क्योंकि सफर का जो सफर था वो थोड़ा सा ठंडा उंडा लग ही सकता है। हवा लगता है ना ऑटो से। हो गया ब्रश सीखा गया? चलो यूनू भाई ब्रश कर रहे हैं और उन्होंने ब्रश वर्श कर लिया, मैं भी अभी बना ले तो हम भी जाएं थोड़ा सा ब्रश वर्श करें क्योंकि ना रह नहीं रही है। क्या हुआ दादी? क्या दादी क्या सब लोग गोद में ले लेते तो खराब कर दिए ना। खराब क्या होता है जी? अच्छा हाँ अब मैं नहीं बैठ रही है लेकिन बैठ यहाँ थी, कोई गोद में लेता ही नहीं था, दिन भर बेड पे रहती थी। वहाँ था कोई एक हाथ से उतरती थी दूसरे हाथ में जाती थी। फुर कर रही है फुर। तो चलो गाइस बने रहिए, मिलते हैं चाय नाश्ता करने के बाद। भूख लगी है, रात का ही खाना खाए हैं हम लोग। आप भी खाओगे? आप भी खाओगे? आप भी खाओगे ना? अब दिल्ली में मौसम उतना गर्म नहीं है, ठंडा है क्योंकि रात में भी कल बारिश हुई थी यहाँ पे और हवा जो ठंडा चल रहा है ना कि लग रहा है सच में ठंडा है। और भैया जी ब्रश कर रहे हैं तो मुझे नहा धो के दोस्तों ड्यूटी भी जाना है। लाओ यार चाय वाय लाओ। हो गया जी? हो गया। और उस पर ब्लैक सॉल्ट थोड़ा सा डाल देना बाबू। या तो बने रहिए गाइस, मिलते हैं कुछ देर बाद आप लोगों से। तो गाइस नहा धो के रेडी हो गया हूँ और निकल रहा हूँ ड्यूटी। और किचन में देखिए खाना बन रहा है तो हमके खाना पीना बना लो और मैं जा रहा हूँ, जल्दी से आऊँगा, कोशिश करूँगा। ठीक है तो चलो चलते हैं, फिर आके मिलते हैं हम लोग। बस बेटे रानी इधर सो रही हैं और यू भाई इधर लेटे हुए हैं। जाओ नहा लो, चलो चलते हैं, मिलते हैं शाम को दोस्त। A few moments later. तो गाइस शाम का टाइम हो गया, अभी मैं जस्ट ड्यूटी से आया हूँ और यू भी भाई थे तो उनके लिए मोमोज लेके आया हूँ। उनके बहुत बहुत ही मोमोज खाए हैं तो दिल्ली मोमोज कैसा है भाई? मोमोज बढ़िया है, बढ़िया है ना? ये भी ठूसे जा रही हैं। तो चलो खाने से मैंने भी टेस्ट किया एक दो पीस। नवरात्रि चल रहा था तो दोस्तों हमने शेविंग और हेयर नहीं कट कराए, लेकिन अब कल संडे है तो कल जाऊंगा सैलून, पहले थोड़ा सा चेहरे को लुक दूंगा। एकदम ख़राब लग रहा है, बहुत लोग बोल रहे भैया क्या को मनौती नौती माने हैं क्या? हम क्या मनौती नहीं माने भाई, अब क्या करें, टाइम मिल पा रहा है बनाने के लिए। मैं तेज बोला तुम्हारी बेटी उठ जा रही है ट्रेन में, बताओ एसी वाले ट्रेन में बेटू को मेरे मच्छर काट लिया। ओके यार गजब चमा लो, सब बच्चे ही थे जिस बगी मतलब थे, सब बच्चे। हाँ। सब बच्चे ही बच्चे थे। तभी भाई कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। मन लगा था? हाँ, पहली बार आया, मन एकदम फिट था। चलो बढ़िया, बाहर गए नहीं घूमने, अभी तो रूम पे हैं। बारिश हो रही है बाहर तो क्या गया। चलो लगे अच्छी बात है, मन लगना चाहिए भाई। परदेश में पहले जल्दी किसी का मन नहीं लगता है, हम भी जब पहली बार आते हैं तो आए थे तो मन नहीं लग रहा था, ये होता है कब घर पहुँच जाए कब घर पहुँच जाए। तो कोई नहीं, सफ़र अच्छे से बीत गया। पहला दिन था आज, ऑफिस गए बहुत ही अच्छा लगा। यू भाई को भी दिल्ली अच्छा लग रहा है, बस आने के बाद थोड़ा सा हालत ख़राब हो गई थी तो ये तो इतना होगा ही। तो ब्लॉग को समाप्त करते हैं, आप लोगों से मिलते हैं एक अच्छे नए नए ब्लॉग के साथ। कल कुछ नया होने वाला है, देखते हैं क्या होता है, पहले इसमें सोच रखा है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।